वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आपका न्यू ईयर बहुत अच्छे से निकला होगा एंड आई होप आप सबने अच्छे अच्छे गोल्स बना लिए होंगे अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जो कि हमारा नेचर और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो उस चैप्टर में या कोई रिलेटेड टॉपिक या रिलेटेड पॉइंट या पर्टिकुलर टॉपिक से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैम मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ इसे क्लियर कर दीजिए। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी एंड श्योरिटी भी देती हूँ कि वो उसको बहुत जल्दी कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम को क्लियर कर दूँगी। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि मैं हर किसी का कमेंट रीड करती हूँ, हर किसी का कमेंट को लाइक और हार्ट भी देती हूँ, तो आप मेरे इस नेचर से तो जान गए होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा अपडेट रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करो। जितने भी आप वीडियोस एंड तक देखते तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दिया करो, एक टच ही तो करना है और एक बेल आइकन और प्रेस करना है, ठीक है। सो टाइम ना वेस्ट करते हो, स्टार्ट करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए क्या है, सबसे पहले ये जानिए, हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि जिसका जो 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 ग्रीक वर्ड है वहाँ से लिया, माइक्रोज से लिया, जिसका मतलब है स्मॉल, मतलब छोटा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटी सी इकोनॉमिक के ऊपर पढ़ते हैं, जैसे कि डिवीज़न इनटू स्मॉल पार्ट, मतलब बहुत छोटे छोटे इकोनॉमिक का बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीज़न कर देते हैं और हम सिर्फ उन वेरिएबल्स को ही स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे कि कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कि हम कितना खा रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, बहुत सारे दिए हैं बट मैंने सबसे ईजी एंड ईजिएस्ट लिखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद स्कोप देखिए, सबसे पहले है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हम क्या देखते हैं कि क्या करते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है और कंज्यूमर की कितनी डिमांड है और कितनी डिमांड्स के ऊपर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्लियर कर रहा है, और जो लिमिटेड इनकम है और वो कितने कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे, कौन डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज़ पे कितना कितना वो स्पेंड कर रहा है और कितनी कितनी सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड से हमें ये पता चलता है। फिर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि हम कितनी ज़्यादा वेरिएबल और फैक्टर वेरिएबल फैक्टर से और हमारे फिक्स फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन करके हम कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं और कितने हमारे प्रोडक्ट से उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। प्राइस डिटरमिनेशन में क्या होता है कि जो कंडीशन है डिमांड और सप्लाई की, प्राइस डिटरमिनेशन की, वो कैसे है कि कितने हमें जो हमने गुड्स प्रोड्यूस करें उनकी क्या तो हम प्राइस रखें, कौन कौन सी मार्केट, जैसे कि परफेक्ट मार्केट में, मोनोपोली में, किस किस कंडीशन पे क्या डिमांड हो रही है और कितनी सप्लाई हो रही है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, जो सेल ऑफ गुड्स की होती है वो हेल्प करती है हमें प्रोडक्शन में इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें रेन्यूमरेशन भी मिलना जाता है और हमें कभी कभी बहुत प्रॉब्लम डील करनी पड़ती है जब हम इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। फिर है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एफिशिएंटली रिसोर्सेज हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में, उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो कंज्यूमर और फर्म है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है जब ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का आता है, ठीक है, ठीक है। और हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में अचीव करना पड़ता है हमारे इक्विलिब्रियम को, ठीक है। फिर उसके बाद है वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है कि इसमें स्पेल आउट करते हैं कि हमारी आइडियल इकोनॉमिक कौन सी है और हमें अपने मतलब जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है उनको साथ में ये देना है कि हमें पीपल्स का वेलफेयर भी करना है साथ साथ में, ये नहीं कि अपना ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो, अपने प्रॉफिट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सोशल वेलफेयर करोगे तो तब आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद है यूजेस, आप इसे इंपॉर्टेंस का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है कि जब हम कंसल्ट करते हैं कि जो माइक उसके बहुत सारे यूजेस हैं और ग्रेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है ऑपरेशन एंड इकोनॉमी, मतलब हम कैसे हमारे कंज्यूमर फर्म्स को फंक्शन करते हैं, कितने अकॉर्डिंगली ऑपरेट करते हैं, ठीक है।
फिर है प्रडिक्शंस। देखिए प्रडिक्शन क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरीज बेसिस है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। प्रडिक्शन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें किस तरह से क्या सेट करना चाहिए, किस तरह से क्या चीज़ें अक्कर होंगी और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस खुद पे खुद ही ऊपर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं? जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज होती हैं वो इसके ऊपर बेस्ड, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक में चल रहा होता है उसके ऊपर बेस्ड बनाई जाती हैं, जो कि हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारी इकोनॉमिक से, और हम इससे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हमारे जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसमें हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक वेलफेयर। मैंने आपको जैसे बताया कि हर प्रोड्यूसर कंज्यूमर का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है या फिर सेटिस्फैक्शन। नो, हमें वेलफेयर भी करने चाहिए साथ साथ में। उसके बाद है मैनेजरियल डिसीजंस। क्या मतलब है? जो हमारे मैनेजरियल डिसीजंस है उसमें क्या है कि जो हमारी कॉस्ट और डिमांड है हमें उन्हें एनालाइज करके चलना चाहिए साथ के साथ। फिर है लिमिटेशन ऑफ कंक्लूजन। क्या मतलब है? देखिए जैसे कि स्टैटिक, स्टैटिक का क्या होता है कि जो इकोनॉमिक है वो बहुत बेस्ड होती है एजप्शंस के ऊपर बेस्ड होती है, कई बार वो रॉन्ग हो जाती है और हमें कांस्टेंट भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक लार्ज एक्सटेंड है। फिर है रॉन्ग कंक्लूजन। कई बार हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो कई बार गलत एनालाइज फैक्टर की वजह से रॉन्ग कंक्लूजन निकल जाता है, जिसका रिजल्ट हमें बाद में फ्यूचर में पता चलता है। फिर है अनरियलिस्टिक एजप्शन। कई बार क्या होता है कि हम गलत एजप्शन लगा लेते हैं, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यू, और जो कि इन रियल लाइफ वो एजप्शंस हमें कभी नहीं मिलती हैं। फिर है लिमिटेड स्कोप। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो बहुत लिमिटेड स्कोप है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉलिसीज प्रॉब्लम लाइक फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत आउटसाइड स्कोप है, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी यही है कि ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसे हम कहते हैं मैक्रोज, और जिसका मतलब है लार्ज। हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लार्ज इकोनॉमिक के ऊपर स्टडी करते हैं। डेफिनेशन देखिए बहुत सारी है, पर मैंने एक ईजिएस्ट लिखी है। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल, मतलब पूरे एज अ होल इकोनॉमिक की स्टडी करता है। फिर इसके बाद देखिए स्कोप। स्कोप क्या है हमारे? बहुत सारी थ्योरीज है, वही थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम पे जैसे कि मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। फिर है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगी कि कितने हमारे इफेक्टिव डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, एग्रीमेंट डिमांड कितनी है, टोटल कंजप्शन कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल सेविंग मल्टीप्लायर, ये सारी हमारी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर आ जाती है। फिर थ्योरी ऑफ मनी है, इसमें हम देखते हैं हमारे कि लेवल ऑफ हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना कितना चेंज आ रहा है हमारी डिमांड और सप्लाई में, और जैसे फंक्शन ऑफ मनी भी देख लेते हैं कि हमारी कितनी फंक्शनिंग हो रही है मनी की, बैंक्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भी ऑल्सो इसमें हम स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद है थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस। जो प्रॉब्लम होती है हमारे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, इसमें हम पढ़ते हैं। फिर है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें हमें कई बार पर कैपिटा इनकम भी रियल देखना पड़ता है, हमारी अंडर डेवलप कंपनीज भी देखनी होती हैं, ठीक है। मैं आपको इनके अंडर के बातें बता रही हूँ, ठीक है। फिर है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमें यहाँ देखना होता है कि हमारे प्रिंसिपल्स की क्या वो है क्या नहीं है, जैसे टैरिफ होगी, प्रोटेक्शन होगी, फ्री ट्रेड पॉलिसीज होगी, इन सब भी आ जाती है। फिर है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की फिर वही बात आ जाती है कि हमारे फैक्टर्स को हम प्रोडक्शन को कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर है थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर, जनरल प्राइस लेवल, इसमें ये सब भी, और कई बार बिजनेस फ्लक्चुएशन को भी चेक और कंट्रोल किया जाता है। फिर है यूजेस। देखिए बच्चे आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। देखिए अब हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक। हमें अपने इकोनॉमिक के फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जैसे कि मॉडर्न इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत सारे वेरिएबल इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी ही इनफ नहीं है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना, मतलब माइक्रो इतनी इनफ नहीं है कि हमें मैक्रो को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है, जैसे कि नेशनल इनकम के लिए, टोटल एम्प्लॉयमेंट के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस, इनके लिए हमें बहुत सारी इकोनॉमिक्स फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे फिर ये चलती हैं और हमें लास्ट में कंक्लूजन मिलता है ग्रुप और इंडिविजुअल्स का, गवर्नमेंट्स के उसका, ठीक है। फिर है कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल। जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि डिप्रेशन, बूम, डिमांड का बढ़ जाना, सप्लाई का कम हो जाना, या फिर सेविंग कर लेना, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, ये सब हमें देखना पड़ता है।
हमें कॉजेज देखने पड़ते हैं ट्रेड साइकिल को, और फिर हमें उनका मेथड टू कंट्रोल भी आना चाहिए, जिसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। फिर है चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, कई बार जो वैल्यू ऑफ मनी होती है उसमें उसको हम कहते हैं जैसे कि उसमें चेंज फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो जाता है, तो जब मनी होती है उन्हें हम इन्फ्लेशन कह देते हैं, मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, जब मनी कम हो जाती है और प्राइस लेवल बढ़ जाता है उसमें कहते हैं इन्फ्लेशन, और जब मनी जो मनी वैल्यू है वो बढ़ जाती है और प्राइस लेवल कम हो जाता है हम कहते हैं उसे डिफ्लेशन, ठीक है। फिर है स्टडी लेवल ऑफ नेशनल इनकम, हमें स्टडी करना पड़ता है हमारे नेशनल इनकम के बारे में कि क्या प्लानिंग हो रही है, क्या वेलफेयर है, क्या वॉर चल रहे हैं, इन सब का भी हमें पता होना चाहिए। और जो नॉलेज ऑफ नेशनल है हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही उसे पढ़ सकते हैं। फिर है हेल्प इन इकोनॉमिक प्लानिंग, हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी स्ट्रेस उठाना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर वो आती हैं जिन्हें हमें फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर हम उन्हें एनफोर्स कर सकते हैं। फिर है हेल्प इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने से हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलता है। हम माइक्रो में स्मॉल पे पढ़ते हैं और मैक्रो में लार्ज पे, तो हमें सबका डिफरेंस और हमें इलेबोरेट करके पता चल जाता है। फिर है डिफरेंट फिर है मैक्रो पैराडॉक्स, वही बात होगी सैमुएलसन की कि पानी की कीमत कम है बल्कि पानी महंगा होना चाहिए जिसकी डायमंड की कम है और डायमंड का हिस्सा कम होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट है डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट, डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट, जो इफेक्ट होते हैं एग्रीगेट के वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हमें देखते रहना चाहिए साथ में। फिर है लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं है, मतलब इंडिविजुअल पे कोई डिपेंड नहीं है। हेट्रोजीनियस यूनिट्स बहुत हेट्रोजीनियस हैं यूनिट्स, जैसे कि एग्रीगेट हो गया, ऐसे हाउस एप्पल इस तरह से। फिर है कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीगेट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द एग्रीगेट इट्सेल्फ, कई बार जो कंपोजिशन हो जाती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय भाई एग्रीगेट खुद से। फिर है डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट जो कि हमारा ऑलरेडी उसमें आ चुका है यूजेस में, ठीक है। फिर है लिमिटेड एप्लीकेशन, इसमें बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, मॉडल्स कम हैं तो कई बार हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अपने एग्रीगेट माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी करने में। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन्होंने इग्नोर कर रखा है क्योंकि इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का काम है। फिर एक रिलेशन दे रखा है माइक्रो मैक्रो में कि माइक्रो में क्या माइक्रो इकोनॉमिक डिपेंड करती है माइक्रो के ऊपर, और जो माइक्रो है वो नेसेसरी है उसके लिए, ठीक है, ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो माइक्रो एंड मैक्रो, क्या है डिफरेंट एग्रीगेट है क्योंकि उसमें हम कम पे पढ़ते हैं इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। माइक्रो में क्या है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है, माइक्रो में हम प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, एलोकेशन देखते हैं, और दी अदर हैंड जो वो हैं उनमें हम डील करते हैं मैक्रो में, ठीक है। कोर डिफरेंस क्या है, उसमें हमारा डिफरेंस क्या है कि हम प्रॉब्लम होती है जो माइक्रो की वो सिर्फ डिटरमाइन करते हैं, और इनकम में इसमें हम डिटरमाइन नहीं करते, उनको हम सीधा एनफोर्स कर देते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्शन इस तरीके से हो गई, ठीक है। फिर है मेथड ऑफ स्टडी, माइक्रो को हम स्मॉल लेवल पर पढ़ते हैं और मैक्रो पर लार्ज में, पैराडॉक्स का मैंने आपको अभी बताया रिसेंटली, ठीक है। फिर है एजप्शंस, एजप्शंस दोनों में ही क्या आती है कि कई बार अनरियलिस्टिक भी जो रियलिस्टिक भी हो जाती हैं। फिर है एनालिटिक डिफरेंसेस, एनालिटिक डिफरेंसेस क्या है, जो बिहेवियर है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। फिर है चेंजेस, चेंजेस आते रहते हैं दोनों में, माइक्रो में भी मैक्रो में भी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।